हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भक्तों ने ऑनलाइन किए बाबा रामदेव और महाआरती के दर्शन, घरों में ही मनाया बाबा रामदेव का प्राकट्य दिवस, मसूरिया मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लोक देवता बाबा रामदेव का प्राकट्य दिवस गुरुवार को घरों में ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि मंदिर में सुबह 4:15 पर 109 ज्योत से श्रृंगार आरती हुई। इस आरती और बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। मसूरिया पहाड़ी स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि पर भादव बीज के अवसर पर इस बार ना तो कोई चहल पहल नजर आई और ना ही श्रद्धालुओं की 1.5-2 किलोमीटर लंबी कतारें। मंदिर परिसर में पसरे सन्नाटे के बीच महज 5 जनों ने अल सुबह महाआरती की। कोरोना के कारण मेला स्थगित किया जा चुका है, ऐसे में लोगों ने आज सुबह जल्दी अपने घरों में बैठ ऑनलाइन आरती के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया हुआ है। हालांकि इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु मंदिर के गेट तक पहुंच ही गए, उन्होंने वहीं माथा टेक बाबा की पूजा की। मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर का संचालन करने वाले पीपा क्षत्रिय समस्त न्यायित सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार वैश्विक महामारी के कारण राज्य सरकार व जिला प्रशासन की गाइडलाइन के चलते मंदिर पूरी तरह दर्शनार्थियों के लिए बंद रखा गया है। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि मंदिर में केवल ट्रस्ट के सीमित पदाधिकारियों व पुजारियों की ओर से गुरुवार सुबह पंचामृत अभिषेक और 109 ज्योत से श्रृंगार आरती की गई। इसके बाद सुबह 11:15 पर मंदिर ट्रस्ट के सीमित सदस्यों की ओर से मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी व ट्रस्ट के सदस्यों ने विशेष आरती कर बाबा से विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की, ताकि लोग एक बार फिर सामान्य जीवन जी सके और अपने अपराध बाबा के दर्शन करने पहुंच सके। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया पर श्रृंगार आरती के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई। आज विशेष बाबे की 20 बाबे की चांद पक्ष की, इसमें विशेष अभिषेक और 108 ज्योत की महाआरती हुई और इसमें सभी के विश्व में जो ये महामारी फैली हुई कोरोना को ख़त्म करने के लिए विशेष बाबे को प्रार्थना की गई, ताकि सबको सुख शांति मिले और सभी मानव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करें और ये महामारी लौट के सभी के जिंदगी में खुशहाली लाए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।